प्रभु को याद करना चाहिए। अगर एक एक चार पन में तीन पन तो बिता दिए, चौथा पन अगर भक्ति में नहीं बिताइएगा तो मनुष्यतन लेवल बेकार है जोनी, बेकार मनुष्यतन में जोनी लिए है। जब मनुष्यतन में जोनी लेकर कुछ करके नहीं गए क्या जाएगा? आप खूब कमा लिए, धन संपत्ति कमा लिए, बिल्डिंग छा लिए, जाएगा कुछ हो? नहीं, कुछ नहीं जाएगा। जो आप कर्तव्य करके यहाँ छोड़ दीजिएगा तो जस आएगा, अपजस दो ही चीज आएगा या जाएगा। जैसन कीजिएगा उस प्रकार के मरलो में आपको नाम होगा, फल्ला ईसन रहन ई कैलन वो कैलन मरलो में। और उस तरह से कुकर्म अगर कीजिएगा मार साल फलन हुआ खराब हलो भले मर गलो मरलो पर चार को गाली देगा। तो कर्तव्य मना के जाना चाहिए कि जिसमें मरलो पर भी आदमी नाम ले उन कर्तव्य करे के चाहिए। अब मरियो जाएंगे तो मेरा ये निशानी तो छूट के जाएगा ना। मरलो पर कोई कहेगा कि अरे फलना बनौले हलती फलना पुजारी हलती उनका निशानी अभी है, मरलो पर तो इतना तो जरूर कहेगा। इसलिए अपना ऐसा कर्तव्य बनाइए कि कुछ छोड़ के जाइए कि मरला पर भी कुछ नाम लेवे कि फलना के बनावल है। अब चाहे फलना बड़ी बढ़िया आदमी हलती हो मर गलती बेचारा इतना तो जरूर कहेगा कि फलना मर गलती हो लेकिन बड़ा बढ़िया बेचारा ईमानदार रहे, अन्यथा तो मरला पे गाली देगा, मर गए हैं तबो गाली देगा मार सार के इस तरह बहुत खराब हलो। इसलिए चौथापन में हिंदू धर्म का शास्त्र कहता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो चौथापन में कुछ अपना कर्तव्य को करके जाइए कि जो मरलो में नाम हो। नाम भी होगा अब आप कर्तव्य कर लिए तो हो सकता है उस तरह से कर्तव्य किए तो फिर मनुष्य में आना भी नहीं पड़े, 84 लाख जोनी में जाना भी नहीं पड़े। कर्तव्य बना देंगे तो 84 लाख जोनी के फिर आना नहीं ना होगा हमको, तब उतना त्याग करना होगा करना होगा। कहता है लिखता है कवि लोग लिखा है कि भक्ति लैनिया बड़ा भारी है बबुआ, भक्ति लैनिया बड़ा भारी लिखा है कवि कि भक्ति कैलन माता सेवरी आ अचरा से डगर बहारी, 60 साल सेवरी मैया आंचल से डगर बहारे हैं भगवान के इंतजार में। आ उनकर गुरु जी कह के गए थे, उन सेवरी के गुरु जी जे थे कह के गए थे कि एक दिन भगवान आपको यहीं आएंगे, आप खाली उनको इंतजार में रहिए आपको दर्शन देंगे। और 60 साल अपना रास्ता को बाहर रहे थे, मंदिर को बाहर रहे थे, फूल से सजा रहे थे कि एक दिन आएंगे। भगवान को आना पड़ा ना, आना पड़ा भगवान को कि नहीं आना पड़ा? उसके जहाँ वो जंगल में कुटिया बना के है वहाँ भगवान को जाना पड़ा। तो भक्त के बस में भगवान होते हैं, भगवान के बस में भक्त नहीं है लेकिन भक्त के बस में भगवान होते हैं। आप इसी कुटिया में रहिए कि भगवान के उतना निगाह रहिएगा तो भगवान को यहाँ आना होगा, आपको दर्शन देना होगा। अब देते हैं भगवान रामचंद्र जी अति त्रेता में जन्म एकादशी है महाराज। आपका नाम क्या है? मोहन गोपाल दास। इसी गांव का है? हाँ इसी गांव के, यहाँ हमको 13 साल हो गया इसको मंदिर, और मंदिर बना है भक्ति में हमारा 35 साल हो गया करते, लेकिन 13 साल यहाँ हो गया इस मंदिर पर आते। ये मंदिर 13 साल ही हुआ है बना है? हाँ हाँ, पहले वो था केवल 1950 का वो स्थापना है। हम लोग को बाप दादा लोग वो स्थापना किए थे तो हम लोग अपना उठानी में ही आए हैं। अभी 4 दिन पहले और आए थे इसी तरह से ऐसन के लेके एकदम 6 बजे 3 आदमी थे उधरे के बंगला भाषा बोल रहे थे, चार बोल कमरा उमरा किए फोटो तो लिए हमारा भी लिए मंदिर का भी लिए भगवान का भी लिए ले के गए। हम भी तो बंगाल से ही आए। हाँ तो वो लोग भी बंगाल से आए थे। तो आप गए कभी बंगाल में? हम नहीं गए। कैसे हम आपका तो जो जगन्नाथपुरी हम गए हैं वो तो बोल रहे थे कि गंगा सागर में जाना है तो आप एक साथ चले जाइए दोनों। वो हम सब तीर्थ घूर लिए हैं।